काफ़ी भीड़ है यहाँ पे आरती देखने के लिए। सामने ये शंकर जी की प्रतिमा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस समय मैं आ गया हूँ बदौलिया चौराहे पे। सामने आप देख सकते हैं, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, और बोर्ड के पीछे है नंदी जी की प्रतिमा। और गदौलिया चौराहे से मैं आपको दशाश्वमेध घाट तक का नज़ारा दिखाऊंगा। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा आप सभी। दोस्तों यहाँ से आप राइट टर्न लेंगे तो रथ यात्रा पहुँच जाएंगे, सीधे जाएंगे तो सोनारपुरा, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप पहुँच जाएंगे दशाश्वमेध घाट पर। और सामने आप देख सकते हैं ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है टू व्हीलर के लिए, और इसी पे एलईडी स्क्रीन भी लगाया गया है। दिखा दे मैडम, ये सामने है नंदी जी की प्रतिमा। शाम के लगभग इस समय 5 बज रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगी है। जब राष्ट्रपति का आगमन यहाँ पे हुआ था तो पूरी तरीके से यहाँ पे खाली कर दिया गया था। ये जो गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और जो छोटे मोटे दुकान बाहर साइड हैं पूरे हटा दिए गए थे, पर वापस से अब पहले जैसा माहौल हो गया है, इसलिए सड़क कम बची और भीड़ ज़्यादा हो गया है। यहाँ के सभी इमारतों को पिंक कलर से रंग दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है एक समान कलर देखने में। और गदौलिया का मार्केट काफ़ी फेमस है, यहाँ पे अच्छी अच्छी बनारसी साड़ियाँ, सिल्क साड़ियाँ मिल जाती हैं और लहंगा भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे रोड के साइड में आप देख सकते हैं बाहर, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के यहाँ पे खिलौने और कपड़े मिल जाएंगे, जूतियाँ भी हैं, इसके दाम काफ़ी कम रहते हैं। और अंदर की जो दुकानें हैं वहाँ पे आपको ब्रांडेड सामान मिल जाएंगे। ये लक्ष्मी साड़ी घर और ये संतुष्टि, जो काफ़ी फेमस दुकानें हैं यहाँ पे। यहाँ गदौलिया मार्केट में आप देख सकते हैं होटल भी है, होटल साहू। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं यह है पंडित कालीराम मालवीय गली, और यहाँ सामने लेफ्ट साइड में विश्वनाथ गली है, इसको सिंह द्वार भी कहते हैं। ये जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे दुकानें हैं। ये शंकराचार्य जी की प्रतिमा आपको दिखाई दे देगी ऊपर। देख सकते हैं सामने से ये सिंह द्वार, और इस गली को कहते हैं विश्वनाथ गली। और गली के बगल में यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। और ये राइट साइड में है खिचड़ी बाबा का मंदिर। और ये है बृहस्पति टेम्पल। ये है पूजा सामग्री की दुकान, और यहाँ बैठने के लिए पर्यटकों के लिए बेंच भी लगाए गए हैं पत्थर के, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो नालियाँ बनाई गई हैं लाल पड़ चुकी हैं, लोग पान खा के थूकते हैं, इसमें काफ़ी गंदगी फैलती है।
यहाँ सामने से दो रास्ते डिवाइड होते हैं, यहाँ से राइट टर्न लेने पे दोस्तों आप शीतला घाट पहुँच जाएंगे और ये सीधे रास्ता आपको जाएगा दशाश्वमेध घाट की तरफ। यहाँ भी काफ़ी सारे पूजा सामग्री की दुकान है और ये है मूर्तियाँ भगवान जी की, नक्षत्र कितनी विशाल बनाई गई है। ये रास्ता दोस्तों आप देख सकते हैं, ये चल जाएगा राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ और ये रास्ता जाएगा दशाश्वमेध घाट की तरफ। और राइट साइड में आप ये देख सकते हैं दशाश्वमेध भवन बनाया गया है, इसके अंदर दुकानें खुलेंगी, फिलहाल अभी तो ये चालू नहीं हुआ है। और यहाँ पे अस्पताल की सुविधा दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रुद्राक्ष की माला, कंगन, कड़ा, ऐसा आपको मिल जाएगा, पूजा सामग्री की दुकान और ये नारियल पानी की दुकान यहाँ पे। और ये है दशाश्वमेध भवन। देख सकते हैं दोस्तों ये दशाश्वमेध भवन का नजारा, यहाँ नीचे भी काफी सारी दुकानें हैं और ऊपर भी बनाई जा रही है। सामने ये शंकर जी की प्रतिमा और नीचे 10 अश्व की आकृति यहाँ बनाई गई है और दोनों साइड नंदी जी की प्रतिमा बनाई गई है। इधर दशाश्वमेध घाट के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको कुर्ता मिल जाएगा और गंगा जल भरने के लिए बोतल भी मिल जाएंगे और ये पूजा सामग्री की दुकान यहाँ पे। ये बगल में आप मंदिर देख सकते हैं, काफी सारे भगवान की यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ से आप पहली झलक देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट की। इस घाट पे जो गंगा आरती होती है वो विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पे सामने गंगा आरती का आयोजन होता है। और ये है बनारस सारी फैक्ट्री। आरती देखने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं जो कुर्सियाँ रखी होती है पूरी भर चुकी हैं अभी से ही, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं आरती देखने के लिए। यह है राजेंद्र प्रसाद घाट का सीवेज पंपिंग स्टेशन। देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ पे आरती देखने के लिए, पूरी कुर्सी यहाँ पे भर चुकी है खचाखच। और उस साइड है शीतला घाट का मंदिर। बताइए